हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरी रिपोर्ट क्या है कोरोना टेस्ट जो मैं करवाई थी। फ्रेंड्स, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आया है और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी ये जो यश चला गया कल, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कलकत्ता में। फ्रेंड्स, कलकत्ता में तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुआ है दीघा में और मेदिनीपुर जो सुंदरबन इलाका है उसमें भी हुआ है बहुत ज़्यादा। और वहाँ बहुत ही मतलब तहस नहस कर दिया यश ने। और वो समुंदर का जो लहर था वो तो मैं बता नहीं सकती, मतलब नारियल पेड़ के जो सर है वह के ऊपर से गुजर गया जो लहर है, मतलब जो लहर था समुंदर की। और फ्रेंड्स, मैं बताई थी कि मैं दिखाऊंगी कि मेरी जो ये जो छत के ऊपर का जो ये पौधा है इनका हालत क्या है। इनका हालत तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं मतलब मुझे डर लग रहा था कि अगर शायद इनमें जो फ्रूट्स आए हैं वो गिर ना जाए। फ्रेंड्स, अभी भी ठीक है, देखिए पेड़ भी ठीक है और पेड़ के फ्रूट भी ठीक है, लेकिन एक पोमीग्रेनेट यहाँ गिर गया है। वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था तूफान, लेकिन फिर भी ये गिर गया है। और अभी भी आसमान पूरा काले हो रहे हैं, पूरा मेघ हुआ है आसमान पे, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रहा है, एक दो बूंद गिर रहा है। और अब सुबह 6:30 भी नहीं बजे हैं, शायद 6:20 होगी, शायद ऐसा ही होगी। फ्रेंड्स, अब जो वेदर है ये बहुत ही मतलब काले हुए हैं आसमान, और कभी भी बारिश हो सकता है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि मेरी जो प्रोमीग्रेनेट था, नींबू था और पेड़ में जो गुआवा आया था वो सब ठीक है। यहाँ से दिखा पा नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं दिख पा रही हूँ कि वो सारे ठीक हैं। और आज के दिन ऐसा ही रहेगा वेदर, आज तो धूप नहीं निकलेगी फ्रेंड्स, लेकिन एक पोमीग्रेनेट यहाँ गिर गया है। ये देखिए, एक पोमीग्रेनेट यहाँ गिर गया है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं। फिर भी थैंक्स गॉड कि यहाँ दीघा और मेदिनीपुर जैसा हालत नहीं हुआ है पिछले बार फ्रेंड्स अम्फान था और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो गया था उस टाइम। तो इस बार भी हम लोग सभी लोग डर में थे कि शायद क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कलकत्ता में। ये बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है हम लोगों का, लेकिन जहाँ हुआ है उसका हालत तो, वो जगह के लोगों का हालत तो बहुत ही बुरा है फ्रेंड्स। पूरा जो और समुंदर की साइड, नदी की साइड सारे गरीब लोग रहते हैं, और वहाँ का जो घर है लोगों का वो टीन या ऐसे वाल जो बिल्डिंग नहीं है, और सारे जो कच्चे, मतलब मैं बोलना चाह रही कि कच्चे घर है उन लोगों का, और सारे पूरा लहर में पानी में सब टूट गया है फ्रेंड्स। और जो उन लोगों का घर मतलब हाउस में जो मतलब क्या बोलते जो पेट था काऊ गोट वो सब उनका पता नहीं क्या हुआ है। और फ्रेंड्स, में यश के कारण मेरे जो मतलब यश के डर में मेरे जो ये बालकनी में सारे पौधा था फ्रेंड्स, मैं सारे सब नीचे रख दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि पिछले बार अम्फान में सारे जो गमले हैं मिट्टी का गमले सब टूट गए थे फ्रेंड्स, और ये जो गमले ये नए से ख़रीदा हुआ है और सारे मैक्सिमम गमले सब टूट गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पिछले बार, इसके डर से मैं सारे नीचे रख दिया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फ्रेंड्स। यही हालत है, और अब पूरा क्वाइट मॉर्निंग है, देखिए चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है इस टाइम फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग के टाइम्स बहुत अच्छा लगता है। तो फिर फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अब, आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब चलती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।